ऐसा कानून नहीं झारखंड में लागू होगा जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़े। अब तो सरकार बनी है, लोग ऐसी भी जश्न मना रहे हैं। कितना बर्थ मिल पाएगा अगर हम शेयर की बात करें पार्टियों के, और क्या जेबीएम भी शामिल होगा मंत्रिमंडल में? कांग्रेस पार्टी का निर्णय हमारे आलाकमान सोनिया जी लेती है, राहुल गांधी लेते हैं। अच्छा, एनआरसी आरसीए दो महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसको लेकर पार्टी का क्या? मैं बताना चाहता हूं आपको कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह मूलभूत समस्याओं को हटाकर ये एनआरसी लागू करने की बात कर रहे हैं, ये बहुत दुखद है और खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इतनी गंदी सोच। आज देश को डेवलपमेंट चाहिए, देश को रोजगार चाहिए, हमारे युवाओं को रोजगार चाहिए, वो ना देकर ये लोग एनआरसी के नाम पर ध्यान भटकाना चाह रहे हैं। है कि नहीं है? और झारखंड में आदिवासी के पास कहाँ है कोई डॉक्यूमेंट? एक बहुत बड़ी साजिश है कि आदिवासियों को बेदखल किया जाए, उनको शोषण किया जाए, उनका जमीन लूटा जाए, उनका कोयला लोहा पानी सोना सारा लूटा जाए। सीए को लेकर क्या है? बिल्कुल नहीं, यहाँ नहीं लागू होने देंगे, ये एक्ट है। एक्ट क्यों पास होगा यहाँ? हिंदुस्तान एक है हमारा, इतना खूबसूरत हिंदुस्तान है, और जबरन आप लाना चाहते हैं हम लोग को। इरफान जी, एक अंतिम प्रश्न, ट्रैफिक रूल जो लागू किया गया उसे बढ़ाया गया था 31 दिसंबर तक, उसकी मियाद पूरी हो रही है, उसको लेकर पार्टी का और सरकार का क्या हो सकता है स्टैंड? ट्रैफिक रूल जो है ये रघुवर दास जी और अमित शाह जी, ये लोगों के जेब से पैसा निकालने का नियम था, युवाओं का जेब से पैसा निकालने का नियम था। यार झारखंड में मैं बताया ना कि ऐसा कानून नहीं झारखंड में लागू होगा जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़े। तो क्या इसे एक्सटेंड करेंगे आप? बिल्कुल, अब मैंने कहा ना, अभी रुकिए, तो हेमंत जी को मुख्यमंत्री तो बनने दीजिए आप सभी विभाग। अच्छा अच्छा, देखिए चर्चा ये भी है कि इरफान जी उप मुख्यमंत्री को लेकर जो है बातें आगे की जा रही है। सामने